मैं क्वारंटाइन के संबंध में राज्य में जो परिदृश्य है उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है और इस संक्रमण को रोकने के लिए क्वारंटाइन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में लगभग 5,800 क्वारंटाइन केंद्र सभी जिलों में कार्यरत हैं। इन क्वारंटाइन केंद्रों की जो कुल क्षमता है वो लगभग 2 लाख बेड से भी ज़्यादा है। और जब से ये महामारी राज्य में आई है तब से अब तक क्वारंटाइन में जो कुल व्यक्ति गए हैं वो 17 लाख से भी ज़्यादा की आंकड़ा है। इसमें 11 लाख अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी भी शामिल हैं। आज की तारीख में, ये आंकड़ा कल का है, क्वारंटाइन में जो कुल व्यक्ति इस समय राज्य में हैं वो 3,37,000 हैं। इसमें से 3,22,000 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं और लगभग 14,610 व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में हैं। क्वारंटाइन प्रबंधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर फील्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया। इसमें जिला स्तरीय, उपखंड स्तरीय, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों में सरकारी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी है। इन समितियों का मुख्य कार्य ये है कि क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं संतोषजनक हों, क्वारंटाइन का उल्लंघन न हो और सामुदायिक जन चेतना जागृत करना। क्वारंटाइन के उल्लंघन की अगर बात करें तो जो हमारे पास जो फील्ड से सूचना आ रही है उसके अनुसार कुछ जिले ऐसे हैं जहां क्वारंटाइन तोड़े जाने के प्रकरण अधिक हैं, यानी कि रोज के करीब 500 से 1,000-1,200 केसेस क्वारंटाइन उल्लंघन के आ रहे हैं, जिसमें सीकर, धौलपुर, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़ जिले प्रमुखता से हैं। और कुछ जिले जहाँ पर क्वारंटाइन तोड़े जाने के बहुत ही कम प्रकरण हैं, यानी कि 0 से 50 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, ऐसे जिलों में सिरोही, कोटा, टोंक, भरतपुर, जोधपुर हैं। उल्लंघन पर जिस प्रकार की कार्रवाई फील्ड में की जा रही है उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगी। ज्यादातर पहली बार उल्लंघन करने पर समझाइश यानी काउंसलिंग से काम लिया जा रहा है। जो हमारी ग्रास रूट लेवल की टीम्स हैं जिसमें BLO शामिल हैं, ANNs, आशा वर्कर्स शामिल हैं, वो जाके काउंसलिंग करती हैं और समझाती हैं कि क्यों क्वारंटाइन में रहना ज़रूरी है, क्यों इसकी पालना ज़रूरी है। फिर भी अगर रिपीटेड उल्लंघन होता है तो होम क्वारंटाइन से संस्थागत क्वारंटाइन में शिफ्ट भी काफ़ी लोगों को किया गया है। और कुछ केसेस में जहां समझाइश और संस्थागत क्वारंटाइन में शिफ्ट करने के बाद भी उल्लंघन के केस आए हैं वहां पर जुर्माना और FIR की कार्रवाई भी की गई है, परंतु इसकी संख्या बहुत कम है। और अनुभव ये रहा है कि काउंसलिंग और संस्थागत क्वारंटाइन में शिफ्ट कर देने से ज़्यादातर लोग उसकी पालना करने लगते हैं। क्वारंटाइन की व्यवस्थाओं को लेकर उसके संबंध में परिवाद दर्ज करने की भी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। 181 जो हमारा संपर्क पोर्टल है उस पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और पिछले 10 दिनों में करीब 173 परिवाद इसमें दर्ज हुए हैं, जिसमें से 127 अभी तक निस्तारित किए जा चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं उसमें संतुष्टि का स्तर लगभग 96% है। जो परिवादों की प्रकृति है यानी किस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं उसमें से 50% लगभग खाने की व्यवस्था से संबंधित है, 15% साफ सफाई से संबंधित है और लगभग 20% चिकित्सा सुविधा से संबंधित है। लेकिन परिवाद के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आज की तारीख में लगभग 14,000 लोग हैं और पिछले 10 दिन में 20,000 तक लोग रहे हैं। उस संख्या को देखते हुए जो ये 173 की संख्या है ये एकदम नगण्य है, लेकिन फिर भी जो भी प्रकरण आ रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होना आवश्यक है। क्वारंटाइन केंद्रों पर कुछ बहुत सकारात्मक गतिविधियां भी हो रही हैं। कई जगह योग और प्राणायाम किया जा रहा है, मनोचिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है, वृक्षारोपण और साफ सफाई की भी कार्रवाई काफी जगह की गई है। और ऐसे जिले जिन्होंने इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को अपनाया है, उसको प्रोत्साहित किया है, उसमें करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद,
जालौर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें जिसको देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार की गतिविधियां इन सेंटर्स पे की जा रही हैं। योग और प्राणायाम काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में इन सेंटर्स पे किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त कुछ ज़िलों ने म्यूज़िक थेरेपी का भी काम किया है। ये डूंगरपुर में एक सेंटर है जहाँ पर उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम लगाया है और सुबह शाम वो लोगों की इच्छा अनुसार यूट्यूब से जोड़कर म्यूज़िक सुनाते हैं और मनोचिकित्सकों का परामर्श भी कई सेंटर्स पे चल रहा है। और ये एक स्लाइड है जिसमें कि क्वारंटाइन में जो व्यक्ति थे वो इतने प्रभावित हुए सेवाओं से कि उन्होंने 100 पौधे उस स्कूल में लगाए, प्रार्थना सभा का जो स्थल था उस पर रेलिंग लगाई। और इधर इसके दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक फ्रिज दिख रहा है, ये चौहटन में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे जो व्यक्ति थे जब वो ठीक होकर वहाँ से निकले तो उन्होंने उस स्कूल को ये फ्रिज भेंट किया है। क्वारंटाइन प्रबंधन समितियों से अपेक्षाएं जो हैं उसमें यही है कि सरकारी कर्मचारी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और समुदाय है इनकी भागीदारी बहुत आवश्यक है और जो भी सेंटर्स एक्टिव हैं उनकी प्रभावी और सतत मॉनिटरिंग चलती रहे, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाला काम है। इसलिए हमें थकना नहीं है, जागरूक रहना है कि हमारी सेवाएँ वहाँ सुव्यवस्थित हों। जो व्यक्ति क्वारंटाइन हैं उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की प्रभावी व्यवस्था हो और जो परिवार आते हैं उसका 24 घंटे के अंदर निस्तारण आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं ये मात्र 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हैं और अगर इनके परिवार के निस्तारण में हमने 5 दिन लगा दिए या 6 दिन लगा दिए तो फिर उस परिवार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए त्वरित गति से निस्तारण बहुत अधिक आवश्यक है और क्वारंटाइन केंद्रों पर सकारात्मक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। तो अंत में मैं सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से ये अपील करना चाहूँगी और अपनी बात को समाप्त इन दो लाइनों से करूँगी। क्वारंटाइन को गंभीरता से लेकर कोविड पर करें मार, यही होगा कोरोना पर हमारी विजय का आधार।